अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां प्रशासन के द्वारा जिलेवासियों की समस्या के निराकरण करने के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, लेकिन जन सुनवाई में भी पीड़ितों को राहत नहीं मिल रही है। मंगलवार को रीवा कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के आयोजन हुआ, जहां जिले भर से पीड़ित अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। जन सुनवाई में पंचायतों में भ्रष्टाचार, आम रास्ते और जमीनी विवाद के मामले ज्यादा पहुंचे। आइए सुनते हैं जन सुनवाई में फरियाद लेकर पहुंचे दूर दराज से आए ग्रामीणों को और अपर कलेक्टर सलेन सिंह को, जिन्होंने सभी पीड़ितों को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। नाम राम सिया साकेत, ग्राम निधि 538। बताइए जन सुनवाई में क्या समस्या लेकर? जन सुनवाई में सर ऐसा है कि हमारे ग्राम पंचायत बदहुआ में बहुत लंबा घोटाला हुआ है, उसकी जांच कराने के लिए 3-4 बार आवेदन दे दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। करोड़ों रुपए का गमन हुआ। अब उसकी हम जांच कराना चाह रहे हैं, जो कि तीसरी बार है। उसके पास सारी रिसीव और सारा हर चीज़ हमारे पास है। किनके द्वारा किया जा रहा है घोटाला, कुछ पता है? प्रमोद द्विवेदी। ये कौन है? पूर्व सरपंच। इसकी शिकायत आज जन सुनवाई में की है आपने? जन सुनवाई में किया है। कितने लोग पीड़ित हैं यहाँ? पीड़ित पूरा पूरी पंचायत है। पूरी पंचायत वृक्षारोपण, भ्रष्टाचार, केवल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं। जन सुनवाई प्रेस कमिश्नर साहब के यहाँ 2018 से आवेदन निरंतर दे रहे हैं। 17 कई बे नोटिस कमिश्नर साहब के यहाँ कर चुकी, जन सुनवाई कर चुकी, सेम हेल्पलाइंस कर चुकी, लेकिन आज तक प्रकरण नहीं दर्ज। जांच पड़ताल कैसों के भय जांच पड़ताल, लेकिन वहाँ वह नहीं दे रहे, उनका दबाव नहीं। मंत्री यहाँ विधायकों को किन किन विधायकों? मैं 7-8 आवेदन दे चुका। शासकीय जमीन से रास्ता चाह रहा हूँ, जो करीब 3 एकड़ जमीन शासकीय पड़ी हुई है, उसमें हमको केवल 4-5 फुट चाहिए, क्योंकि हम लोगों को वहाँ बहुत नुकसान होता है। 50 काश्तकार हैं जिनका ट्रैक्टर नहीं जा पाता है, उसमें रास्ता है लेकिन बहुत छोटा रास्ता है। तो उसमें हम ये निवेदन किए हैं कि श्रीमान जी, मुझे कम से कम 10 फुट का रास्ता दे दिया जाए, जिससे कि हम लोग आसानी से अपने ट्रैक्टर आ जा लेके जा सके। कहाँ का मामला है ये? कोचेरी सदहना सिरमौर, इसमें नहर के ऊपर पुल भी बना हुआ है, जो कि यह दर्शाता भी है कि यहाँ जो है रास्ता है, और खसरा नक्शा में सब में उसमें जो है तो मध्य प्रदेश शासन और आम रास्ता लिखा हुआ है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतेश्वर प्रसाद दुबे है और मैं पढ़ी कर आने वाला हूँ। सुनवाई है किस तरह की निराकरण? जन सुनवाई में सामान्य रूप से शासन निर्देश है 11 बजे से 1 बजे तक के समय में जो भी आवेदक रहते हैं या 1 बजे के बाद में जो उपस्थित लोग रहते हैं उनकी सुनवाई की जाती है। अभी कई अलग अलग तरह के मामले यहाँ आए हैं। एक पंचायत से संबंधित जनपद से संबंधित उनका विषय है, जो सीओ से जिला पंचायत के यहाँ भेजा है, उसमें कार्रवाई की उनकी मांग है। तो जो भी उसमें यथोचित होगा वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। अन्य विभिन्न प्रकार के विभागों के करीब 150 से अधिक हितग्राहियों की सुनवाई करके और अलग अलग माध्यमों पर भेजा गया है। यह कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार और शासन निर्देशानुसार यह प्रयास है कि उन आवेदनों का जल्द से जल्द यथोचित शीघ्र निराकरण किया जा सके। सबसे ज़्यादा किस तरह की शिकायतें आती हैं? सबसे ज़्यादा शिकायतें सामान्य रूप से जो लोगों से जुड़े हुए विभाग हैं, चाहे वो राजस्व हो, पंचायत हो, इस तरह का विभाग जिसके कि ज़्यादातर योजनाओं में शासकीय योजनाओं का लाभ देने का काम करते सामाजिक न्याय विभाग है, इनके ही आवेदक सामान्य रूप से अधिक है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831
551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।